हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरा थंबनेल देख के टाइटल तो पता ही चल गया होगा, समर स्किन केयर। ये रूटीन मेरा है, मैं समर में अपना स्किन का ध्यान ऐसे ही रखती हूँ। गाइस, इतनी गंदी गर्मी चल रही है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो पक्का आपको गर्मी में पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा होगी स्वेट की वजह से। तो सबसे पहले मैं फ्रोज़न क्यूक्यूम्बर लिया है मैंने, जिसको फ्रोज़न खीरा, फ्रोज़न ककड़ी, मेरा ककड़ी बोलते हैं ककड़ी, उसको जमा दिया है। वो नेचुरल ग्वाशा की तरह आपके काम करेगी। इससे मैंने अच्छे से मसाज करी हूँ अपने अंडर आई एरिया पर। आप देख रहे हो मैं ज़्यादा मसाज कर रही हूँ, क्योंकि क्यूक्यूम्बर अंडर आई एरिया, मतलब जो डार्क सर्कल्स होता है, वो बहुत उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो मैं अच्छे से 5 मिनट मसाज करूँगी। क्यूक्यूम्बर आपके आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और क्यूक्यूम्बर से आपका जो इन्फ्लामेशन है ना, फ्रोजन क्यूक्यूम्बर से आपको स्किन पर कोई इन्फ्लामेशन और या फिर कोई भी एलर्जी वगैरह नहीं होती है। सेकेंडली मैं अपना हेयर मास्क, ये मेरा सबसे फेवरेट हेयर मास्क है, मतलब मैं इसको ठंडी गर्मी बरसात हर टाइम यूज़ करती हूँ। मतलब मेरा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, मैं अपने बालों के इस अनुसार, पर मैं हमेशा तो यही हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एलोवेरा लिया है, जो लीफ वाला होता है ओरिजिनल, उसको मैंने कोकोनट ऑयल के साथ ग्राइंड कर लिया है। और अगर बेस्ट रिजल्ट के लिए गाइस मैं बताऊँ ना, उसमें विटामिन ए की गोली भी डाल सकती हो आप, कैप्सूल, सॉरी गोली बोलती हमने। तो उसको आपको मिक्स करना है और अप्लाई कर लेना है नहाने से 1-2 घंटे पहले। तो मैं उसको अच्छे से मैं मसाज कर लूँगी अपने स्कैल्प में और अपने बालों के स्ट्रेंथ पे। और आपको मैं बताना चाहती थी, आज मैं स्पा भी करने वाली हूँ। मतलब मेरे पास हेयर स्पा कैप तो नहीं है, पर मैं इसको, मेरे को DIY आता है, तो मैं पहले अपने जो बालों को ना वो अच्छे से मसाज करके अपना जो वो है हेयर मास्क, ये मैंने बिना ऑयल, मतलब आपको ऑयल नहीं लगाना है गाइस, क्योंकि आप कोकोनट ऑयल डाल रहे हो ना, तो इस मास्क में ही आपका ऑयल भी हो जाएगा और आपका वो भी हो जाएगा मास्क। तो मैं उसको अच्छे से मसाज कर लूँगी और अपने रूट पे भी लगा लूँगी और अपने स्ट्रेंथ पे भी लगा लूँगी, और फिर इसको अच्छे से ना बांध दूँगी अपना बाल, और उसमें पन्नी लगा लूँगी। हाँ, क्योंकि मेरे पास हेयर का स्पा कैप नहीं है गाइस, तो मैं इसको DIY सोच रही हूँ। मैंने कि शॉर्ट्स पे देखा था DIY, तो मैं पहले पन्नी लगा लूँगी और फिर मैं अपना जो विंटर वाला कैप होता है वो पहन लूँगी, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी मेरे जो बालों में और सर में, तो उसकी वजह से जो डर्ट पोल्यूशन और जो भी स्कैल्प पे गंदगी होगी वो मतलब थोड़ी सी मेल्ट टाइप हो जाएगी। और मैं फिर उसको बाद उसको अच्छे से मसाज करके वॉश कर लूँगी अपना मतलब हेयर। तो ये हो गया मेरा DIY हेयर स्पा। तो उसके बाद ये आप देख सकते हो मैं विंटर वाला कैप लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसको, अगर आपके पास वो हो हेयर स्पा कैप, तो और भी अच्छा चीज़, और भी अच्छी बात है गाइस। हेयर स्पा करने से, मतलब जो हेयर स्पा कैप होती है उसको यूज़ करने से ना, जो आपकी जो वो होती है क्या नाम से, स्कैल्प में जो गंदगी बैठी रहती है, जो पॉल्यूशन की वजह से जो स्कैल्प गंदी हो जाती है, उसकी वो चीज़ हट जाती है। अब मैं आपको फेस मास्क बताऊँगी। फेस मास्क है मेरा, मैं आजकल स्विच करके, बेसन स्विच करके राइस फ्लावर ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो क्या नाम से, मैंने इसमें राइस फ्लावर लिया है, और मैंने मलाई ली है, और मैंने थोड़ा सा नींबू लिया है, तो मैं मतलब 2-3 बूंद, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ गाइस। इसको अप्लाई करने से राइस जो है आपकी जो फेस के, मतलब आपकी जो स्किन को टाइट करता है, और आपकी जो ग्लास स्किन प्रोवाइड करता है, और जो आपका मिल्क होता है वो अच्छे से क्लिंज करता है। मिल्क भी यूज़ किया मैंने गाइस। मिल्क जो होता है वो नेचुरल क्लिंजर रहता है, वो अच्छे से आपकी जो भी डर्ट पॉल्यूशन होता है वो अच्छे से क्लिंज करता है। और जो लेमन होता है उसमें विटामिन सी होता है, जो कि आपकी फेस को ब्राइट करने में और डी टैनिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आप इसको बॉडी पैक और फेस पैक दोनों की तरह मतलब यूज़ कर सकते हो, और ये दोनों के लिए ही बेस्ट है। आप इसको यूज़ करोगे ना गाइस, आपको इसका इतना अच्छा रिजल्ट दिखेगा ना एक ही बार में, मैं तो बोल रही हूँ बिल्कुल यूज़ करना, बहुत ही अच्छा है। अच्छे से अपनी बॉडी में मसाज करने के बाद मैं इसको 20 to 25 मिनट रखने के बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी मसाज करके।
वॉश करने के बाद मेरा फेस एकदम क्लींज और एकदम ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज पूरा एकदम बेस्ट लग रहा था। अब मैं इसके बाद आपको बताऊँगी लिप स्क्रब जो कि है आपके पिंक लिप्स के लिए। वैसे तो मेरे लिप्स इतने ज़्यादा टैन नहीं है और ना पिगमेंटेड है, तो मैंने इसके लिए लिया बीट रूट, थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। उससे मैं अपनी जो लिप्स को आराम से स्क्रब कर लूँगी। और बीट रूट जो होता है वो आपके जो माउथ एरिया आपके लिप्स की पिगमेंटेशन हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है और आपको जो पिंक लिप्स देने के लिए पिंक लिप्स प्रोवाइड करता है। तो सब मैं आप बीट रूट को आपको अगर लिप्स से रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो आप बीट रूट यूज़ करो, उससे ना आपका जो भी लिप्स से रिलेटेड दिक्कत है ना वो सब सही हो जाएगा। चार मिनट इसको मैं स्क्रब करने के बाद जेंटली गाइस मैं इसको वाइप कर लूँगी। अगर आप चाहो तो उसको वॉश भी कर सकते हो, पर मैंने सोचा कि वाइप कर लेती हूँ। उससे जो कोकोनट ऑयल है उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड भी लग रहा था मेरे लिप्स। और फिफ्थ है हमारा गाइस पिगमेंटेशन मतलब पैक जो कि आपके आपके एल्गो आपके जो नी होते हैं घुटने और आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं उधर और नेक के अराउंड एरिया जितने भी पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है उसके लिए ये जो हल्दी और कोकोनट ऑयल ये बेस्ट है गाइस। इसको आप लगा के 5 मिनट अगर आप मसाज करोगे ना उससे आपकी जितनी भी अच्छी से अच्छी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी। और अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करोगे तो आपको फ़र्क इसका 1 महीने में ही दिखने लग जाएगा और ये बहुत ही बेस्ट होता है गाइस। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जितनी भी चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ सब नेचुरल है। जितनी भी प्रोसेस बताई है गाइज ये सब मेरे नहाने के पहले की है। तो क्या नाम से ये जो आप है नहाने के पहले करो और इसको ये जो मास्क था उसको आप 10 मिनट छोड़ दो मसाज करके और फिर मैं इसके बाद नहाने चले जाऊंगी। और उसके बाद जब मैं नहाने जाऊंगी तो मैं अपने जो बॉडी को शेव कर लूंगी। यस गाइज मैं अगर आप चाहो तो आप वैक्स भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं शेविंग मतलब रेजर यूज़ करती हूँ और मैं क्योंकि मुझे वैक्स मतलब वैक्स नहीं सूट होता है छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। इफ़ यू लाइक माई इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।